त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षे मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षे मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मोक्षे मामृता मृत्युंजय महामंत्र आप सबका मंगल करे। ओम श्री गणेशाय नमः परमात्मने नमः। सावन का महीना है, पूरे भारत में शिव की धूम मची हुई है। कहीं कहीं बम बम भोले, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, जहाँ भी देखो वही सुनाई पड़ता है। भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में शिव मंदिर और शिवालय पाए जाते हैं। इनमें कहीं कहीं शिव जी की समाधिष्ठ मूर्ति स्थापित की जाती है और कहीं पर उनका मूल विग्रह ही प्रतिष्ठित होता है, जिसको शिवलिंग के नाम से अभिहित किया जाता है, पुकारा जाता है। सदियों से सिद्धों के द्वारा, मुनियों साधकों के द्वारा पूजित रहा है। शिवलिंग के दर्शन करने से पहले जैसे ही शिवालय में प्रवेश करते हैं, हमें अनेक प्रतीकों के दर्शन होते हैं, जैसे नंदी, कच्छ, शिवधारा, सर्प आदि। ये सब प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिवालय में प्रवेश करते ही नंदी के दर्शन होते हैं। आप सबने भी देखा होगा, नंदी शिव का वाहन है। ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का, शिव की पूजा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसकी दृष्टि हमेशा ही शिव की ओर लगी रहती है। नंदी के माध्यम से शिवालय में स्थापित हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे नंदी शिव के वाहन है, वैसे ही आत्मा का वाहन शरीर है। जैसे नंदी का मुख हमेशा शिव की ओर लगा रहता है, वैसे हमारा शरीर की दृष्टि आत्मा में होनी चाहिए। धन्य है वह लोग जिनकी आत्मा है ज्ञान में। वह लोग धन्य में हैं जिनके अंदर आत्मा का ज्ञान है, जो जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। यही हमें नंदी के माध्यम से शिक्षा मिलती है। दूसरा, शिवालय में प्रवेश करते ही हमें कच्छप के दर्शन होते हैं, कुरुम। कच्छप सूक्ष्म शरीर और मन का प्रतीक है। मन हमारा कच्छप की तरह ही, कछुए की तरह ही सुदृढ़ रहना चाहिए। सुदृढ़ मन ही परमात्मा को, शिव को पा सकता है। हमेशा कच्छप शिव की ओर सरकता दिखाई देता है। सरकता व शिव हमें प्रेरित करता है कि आत्मा भी शिव रूप है। आत्मा को शिवमय बनाने के लिए, कल्याणमय बनाने के लिए कच्छप की तरह हमेशा इसी की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमेशा आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इसके लिए इंद्रियों के काम, मानसिक चिंतन और हमारे विचार हमेशा शिवमय होने चाहिए, कल्याणमय होने चाहिए। कच्छप और नंदी जैसे शिव की ओर लगे रहते हैं, वैसे ही हमारा ध्येय, हमारा आदर्श बड़ा ऊँचा होना चाहिए। द्वार पर शिवालय में प्रवेश करते ही हनुमान और गणेश के दिखाई देते हैं। गणेश और हनुमान हमारे वे आदर्श हैं जो हमें ब्रह्मचर्य का और आदर्श जीवन जीने का प्रेरित करते हैं। गणेश जी का क्या आदर्श है? गणेश जी का आदर्श ये है कि जितनी भी सद्बुद्धि है, बुद्धि है और हमारे साधन हैं, हमें जगत के हित के लिए उपयोग करने चाहिए, सदुपयोग करने चाहिए। और हम हनुमान जी का क्या आदर्श है? हनुमान जी हमें क्या प्रेरणा देते हैं? हनुमान जी प्रेरणा देते हैं तत्परता युक्त विश्व की सेवा करना, और विश्व की सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम का पालन करना,
अगर गणेश जी के और हनुमान जी के आदर्श जीवन में आ जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है, मंगलमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। तो हमें पत्थर को ना पूज कर इन प्रतीकों को पूजना चाहिए, यही सार्थक पूजा है। कबीरदास जी ने तो कहा भी है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। सो आज हम प्रतीक को भूल गए हैं और मूर्तियों में लग गए हैं। आगे हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो शिवालय में हमें जल की धारा दिखाई देती है। शिवालय के निज में जो जल की धारा बहती हुई दिखाई देती है वो हमें अमृत की धारा के समान दिखाई देती है। उसके बाद ये हमें बताता है कि हमारी जो शिव की जल धारा है ये ज्ञान गंगा की प्रतीक है, त्रिकाल संध्या है, गायत्री है। और ये गायत्री और त्रिकाल संध्या ही है जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा उपासते रहते हैं। कहते हैं शिव आत्मा हिमालय की तरह शांत और सुनसान, शमशान की तरह सुनसान है। हिमालय की तरह शांत और शमशान की तरह सुनसान आत्मा ही दृढ़ता को प्रदान कर सकती है, जीवन में आदर्श ला सकती है। ऐसी आत्मा ही उत्कृष्टता की ओर जा सकती है। जब इसके बाद हमारे को बहने वाली शिव की धारा प्रेरित करती है कि हमारा भी लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये धारा उत्तर की दिशा की ओर बहती है, उत्तर की ओर ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा हमारे को दृढ़ता और उच्च लक्ष्य की ओर संकेत करता है। जैसे ध्रुव तारा हमेशा अपना अटलता के साथ दिखाई देता है उत्तर दिशा में, ऐसे ही हमारे विचार, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत अटल होने चाहिए। अटल आदर्शों वाला व्यक्ति, मानसिक चिंतन वाला व्यक्ति, शारीरिक कार्य वाला व्यक्ति, इंद्रियों के कामों को परमात्मा की ओर, शिव की ओर लगाने वाला व्यक्ति, ऐसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, धारा को, मंगल को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शिव जी की जटाओं में ज्ञान गंगा बहती है, ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय मंगल, ब्रह्मांड के सारे सुख समृद्धि उस व्यक्ति के धारा की तरह जीवन में बहने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन प्रतीकों के माध्यम से अगर हम शिवालय में जाके पूजा करेंगे तो हम जीवन को धन्य बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। आज हमने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्थूल पूजा को छोड़कर सूक्ष्म की ओर बढ़ना है, आत्मा में बनाना है, अपने आप को जानना है। शिव भी आत्मा का ही रूप है, आत्मा शिव में है, शिव आत्मा है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम संतुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसे चिंतन के बाद आओ दो घड़ी हम भगवान शिव की आराधना करें। मन ओंकारे ओंकारे गाले नाम जपने की आदत बना ले, मन ओंकारे ओंकारे गाले नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बड़े जब सत्संग मिले, राम रहमत करे तब सत्संग मिले। इस रीति से रब को रिछाले, नाम जपने की आदत बना ले। कौन नाड़ी में रखते बहाए रे मन, कौन दिल की ये धड़कन चलाए रे मन। उस दाता का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन ओंकार ओंकार गाले नाम जपने की आदत बना ले। जीवन जिसने दिया इसका मालिक वही, तू मुफ्त में ये नाम जपता नहीं। कुछ किराया ही
कुछ किराया ही इसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले, धन अनीति का सुख तुझको देगा नहीं, चोट कुदरत की तू सह सकेगा नहीं, अभी मौका है खुद को बचा ले, जीवन को तू शिव में बना ले, नाम जपने की आदत बना ले, जगरी जाने में जीवन गवाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, जीवन धन है इसको बचा ले, नाम जपने की आदत बना ले, मन ओंकार ओंकार गाले, नाम जपने की आदत बना ले। सावन का महीना है, चारों तरफ पूजा की बहार है, आराधना की बहार है, और प्रकृति भी अपना रंग बरसा रही है, सभी पेड़ पौधों में रंगत आ गई है, फूलों में बहार आ गई है, आपका जीवन भी मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, शिव भगवान आपकी आत्मा को शिवमय बनाएं, आनंदमय बनाएं, मंगलमय बनाएं, इसी आराधना के साथ, इसी वर्ष के साथ।